कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस जो भी आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा आज हम उसी प्रकार का वीडियो एडिटिंग सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही कमाल का है गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी है पीएनजी एंड बैकग्राउंड और जो भी मैं म्यूजिक यूज़ करूँगा वो आपको सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इनका यूज़ करके अपना वीडियो बना सकते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको स्क्रीन को 9.16 ही रखना है और रेजोल्यूशन को 1080 पे ही रखना है और फ्रेमिंग को 13 रख लेना है और बैकग्राउंड ब्लैक कर लेना गाइस। इतना करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर डन कर देना गाइस। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑडियो का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद मैं ये वाला सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ गाइस। ये मेरा सॉन्ग है जो 30 सेकेंड का, इसको मैं थोड़ा काट के 26 सेकेंड का कर रहा हूँ। तो गाइस इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो बाकी का ऑडियो कट हो जाएगा। इतना करने के बाद गाइस वापस आपको स्टार्टिंग में आना है और स्टार्टिंग में आने के बाद गाइस वापस आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर इमेज एंड वीडियो पे जाना है गाइस और ये वाली फ्रेम लेके आ जानी है यहाँ पे और ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे उन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फुल स्क्रीन पे इसको कर देना है, सेट कर देना गाइस, डन कर देना है। अभी हमारी ये फ्रेम है वो बहुत छोटी है, इसको भी मैं 26 सेकेंड की थी उतनी इसको कर देता हूँ, इसको मैं 26 सेकेंड का कर दिया गाइस। इतना करने के बाद गाइस वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आना गाइस आपको, उसके बाद वापस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना गाइस। क्लिक करने के बाद गाइज इमेज पे आना है वापस और आपको अपनी इमेज ऐड कर लेनी गाइज। मैं इसकी इमेज ऐड कर रहा हूँ, इस ये ऐसी इमेज अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो गाइज इसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है तो जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना गाइज। तो ये वाली इमेज मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ गाइज। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है थोड़ा। इतना करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली फ्रेम है जो छोटी है इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। इसको भी बड़ा करने के बाद गाइज वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है गाइज आपको। इतना करने के बाद गाइज वापस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है और प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है और इमेज एंड वीडियो पे जाना है और जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ये वाला वीडियो इसको यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे सेट कर देना गाइज, यहाँ पे ऐसे सेट कर देना गाइज। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको नीचे एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर डन कर देना गाइज। इतना करने के बाद गाइज आपको मैं वीडियो क्लिक करके दिखाता हूँ कैसा। इतना होने के बाद गाइज वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है गाइज। ये हमारा थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इतना करने के बाद गाइज आपको प्लस वाले आइकन पे आना है वापस और प्लस वाले आइकन पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको इमेज एंड वीडियो वाले पे क्लिक करना है और ये वाली इमेज यहाँ पर लेके आ जानी है। लेके आने के बाद गाइज ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उन पर आपको क्लिक करना है और फुल स्क्रीन इसको कर लेना है। इतना करने के बाद गाइज आपको नीचे मूव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आके क्लिक। इससे पहले गाइज आपको ये फ्रेम को भी बड़ा कर देना है जितना हमारी बाकी है, ये इसको भी मैंने 27 सेकेंड का कर दिया गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको की वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और इसको वापस एंड में आके वापस यहाँ पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको जूम इन करना है, इसे करीबन आपको 600-700 इतना कर देना है। इतना करने के बाद गाइज आपको वापस स्टार्ट वाले पॉइंट पे आ जाना है और वापस इस वाले लेयर पर क्लिक करना है और वापस मूव वाले ऑप्शन पे आना है और उसके बाद गाइज आपको इतना वीडियो 10 सेकेंड के जाने के बाद इसकी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर वापस आपको एंडिंग पॉइंट पर आना है और यहाँ पर वापस आपको इस पर क्लिक कर देना की वाले ऑप्शन पे और उसके बाद आपको गाइज इसको ऐसे मूव करना है। इतना करने के बाद गाइज वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है गाइज, उसके बाद वापस आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है
प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद गाइज आपको कोई भी एक सिलेक्शन ले लेना है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, और इसको आपको थ्री डॉट पर जाके फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज इसको भी बड़ा कर लेते हैं हम 27 सेकेंड का। बड़ा करने के बाद गाइज इसको हम जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट में एड इफेक्ट में करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज ये वाली आपको इफेक्ट ले लेना है और ऐड कर लेना गाइज। ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको की वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक की लगानी है और एक आपको लास्ट में की लगा देनी है। की लगाने के बाद गाइज आपको इसको ऐसे चलाना है गाइज, इस तरफ स्क्रॉल करना है गाइज और इसको इस तरफ ऐसे स्क्रॉल कर देना गाइज। इतना करने के बाद गाइज आपको स्टार्ट में आना है और वापस इस वाली लेयर पर क्लिक कर लेना है। इस वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है और स्क्रीन कर देना गाइज, वन डन कर देना गाइज। इतना होने के बाद हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। चलो गाइज मैं इसमें साउंड ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्ट्राइक आ सकता है, लेकिन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेज एंड ऑडियो वीडियो सारे के सारे नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपना अमेजिंग वीडियो बनाइए और शेयर कीजिए। और मुझे आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कीजिए, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें दोस्तों। गाइज हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, बहुत ही ऑसम बना है गाइज हमारा वीडियो। तो गाइज अभी हम वीडियो को सेव कर लेंगे गाइज। तो सेव करने लगे गाइज आज ऊपर वाले यहाँ पे ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है और इफेक्ट में आपको डन कर लेना है गाइज।